गुड मॉर्निंग टू क्लास नाइन। आज हम लोग आप लोगों के लिए मोशन चैप्टर फिजिक्स का लेकर आए हुए हैं, जो कि एस चंद का है। और एस चंद की बातों को हम लोग समझाएंगे आप लोगों के, किस तरीके से एस चंद जी ने बहुत अच्छी के एस चंद जी के पब्लिकेशन जो है मंजीत कौर और लखमीर सिंह जी का, उसमें हम लोग इस बात को बताएंगे क्या क्या उन्होंने इस बात इस किताब में लिखा है। और बहुत ही अच्छा किताब है, आप लोगों को जरूर से जरूर इस किताब को पढ़ना चाहिए। और मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने का समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बात ऐसा है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन। क्या है मोशन? जिसका शाब्दिक अर्थ गति होता है। हिंदी क्या होता है इसका? गति। बात ऐसा है कि हम लोग बहुत से जैसे चलते हैं, जैसे होता ही है कि हम लोग बसों में चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग दूरी तय कर लेते हैं, आज यहाँ है कल वहां है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम चल रहे फिर रहे हैं, स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस हम चल रहे हैं, टाइमिंग के प्रेजेंसिंग में ये सब चीजें। तो ये मोशन है क्या? सबसे पहली बात है मोशन को हम लोग किस तरीके से मोशन कर सकते हैं। बात ऐसा है कि आप लोग कभी कभी क्या होता है कि क्या होता है कि आप लोग कभी कभी बसों में चलते हैं और देखते हैं कि पेड़ें बहुत पीछे जा रही हैं, या रोड पे रहा व्यक्ति पीछे चल जा रहा है और आप आगे जा रहे हो, तो वो आप कहते हो कि वो देखो पेड़ चल रहे हैं, वो पेड़ें चल रही हैं। तो क्यों कहते हैं आप? क्योंकि आप अपने आप को देखते हो, आप जिस सीट पर बैठे हुए रहते हैं उसी सीट पर आप नजर आते हैं। इन द सेंस कि हम इस तरीके से हम लोग यहाँ जो डिफाइन बना लेंगे वो ऐसा बना लेंगे कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। किसी भी वस्तु या किसी भी बॉडी को हम लोग मोशन में कह सकते हैं व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। उसके पोजीशन में लगातार बदलाव है, उसके पोजीशन में क्या लगातार बदलाव है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ टाइम। यानी समय की उपस्थिति में उसके किसी भी रुके हुए वस्तु के अपेक्षा क्या है? चेंजिंग है। थोड़ा सा मेरी बातों को यहां से ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि यहां पर एक पेड़ है, पेड़ स्टेशनरी है क्योंकि यहां पर ये रुका रहेगा, और यहां पर एक जो कार है, ये रोड है, ये रोड पर एक कार है, कार मुझे नहीं बना ले रहा है ना, ये कार है जो कि कुछ देर बाद वो कार यहां पर आ जाती है। देख रहे वो कार क्या है, यहां पर आ जा रही है। तो अभी ये तो जो है कि इस पेड़ के सामने ये पेड़ है, ये इस पेड़ के सामने ये जो कार है वो अब कहां चली गई? यहां आ गई। कहां आ गई? यहां आ गई। यानी हम इस रुके हुए वस्तु से ये कह सकते हैं कि इस कार के दूरी में चेंजिंग आ चुकी है। यानी कि ये कार ये अभी यहां था तो अभी यहां चला गया, यानी कुछ समय। तो यहां से यहां तक जाने में कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, और ये टोटल डिस्टेंस चल दिया। यहां से यहां तक आने में क्या लगा? टाइम लगा। यानी प्रेजेंस ऑफ टाइम की उपस्थिति में यहां से यहां 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, जितना भी, तो इतना इतना दूरी तय किया, तो किसी ना किसी स्पीड से दूरी तय किया। तो हम लोग इस रुके हुए वस्तु, इस रुके हम लोग कैसे पहचानेंगे? अब हम यहां पर जो पेड़ में रखा व्यक्ति या इस कार में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कैसे जानेगा कि मैं मोशन में हूं? वो ये से जानेगा कि वो देखेगा कि मैं कभी अब तक कुछ देर पहले जो था मैं इस पेड़ के सामने था, अब मैं यहां पर आ गया हूं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बैठे हुए व्यक्ति के हिसाब से ये पेड़ चल रहा है और इस पेड़ के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इन द मोशन। बात समझ में आ रही है? क्लियरिफाई हो गया मोशन किसको कहेंगे? तो मोशन का एक बार फिर मैं डिफिनेशन पढ़ रहा हूं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। जो पोजीशन है वो लगातार बदले, किसका? किसी जो वस्तु चल रही है। ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, कि वो यही है और इससे कंपेयर किया जाए कि भाई हम अभी तक यहां थे अभी यहां चले हैं, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव हो गया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रिफरेंस पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट से रिफरेंस पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट से स्टार्टिंग की गई, इन द प्रेजेंस ऑफ टाइम, यानी कि ये कोई भी कार्य किया जाता है वो क्या किया जाता है? समय की उपस्थिति में किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ मोशन। क्या है? कार क्या में? मोशन में, क्योंकि पेड़ से ये इतनी दूरी तय कर ली है, पेड़ के कंपेयर में वो दूरी इतना दूरी तय कर लिया है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली होता यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार या किसी भी बस में बैठा हुआ रहता है तो उसके पोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, वो व्यक्ति वो स्टेशनरी है, यानी रुका हुआ है। क्यों?
क्योंकि वो जब भी अपने आप को देख रहा है उसी सीट पर देख रहा है, तो वो कहेगा कि मैं मोशन में नहीं हूं, क्योंकि उसके मोशन में, उसके हिसाब से मोशन वो वस्तु होंगी जो पीछे जा रही है या तो आगे जा रही है, बात समझ रही है, उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो अपने आप को स्टेशनरी मान रहा है, बात समझ रही है। तो इन द पोजिशन, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये कभी भी मोशन जो होता है किसी भी रुके हुए स्टेशनरी के ऑब्जेक्ट में माना जाता है कि वो मोशन में है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियरिफाई हो गया होगा। अब हम लोग डिस्टेंस पर आते हैं कि भाई ये कार कहीं ना कहीं कोई दूरी तय किया है, डिस्टेंस तय किया है, तो डिस्टेंस जो है वो इस तरीके से डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, जो एक्चुअल लेंथ है यानी कि यहां से यहां तक जो है ये जो बॉडी दूरी तय करता है, एक्चुअल जो लेंथ तय करता है, दूरी तय करता है, उस एक्चुअल यानी कि वास्तविक लेंथ को है ना हम लोग इरेस्पेक्टिव डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब कभी कभी हम लोग इधर जाते हैं, कभी ऐसे मुड़ जाते हैं, कभी ऐसे मुड़ जाते हैं, तो इसका डायरेक्शन नहीं फाइंड हो पाता है, तो डायरेक्शन नहीं होने के कारण इसको बोला जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि बिना किसी डायरेक्शन के, कभी लेफ्ट तो कभी राइट तो कभी स्ट्रेट, बात समझ आ रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कई कई डायरेक्शन है, तो बिना डायरेक्शन के जो चलता है ना, इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे डायरेक्शन तो हर चीज में होते हैं, हर कार्य में होता है डायरेक्शन, लेकिन हम लोग एक्चुअल नहीं बोल पाए कि जैसे हम यहां पर हैं और हम बोल दें कि उतनी दूरी जो तय की गई वो ईस्ट में तय की गई, तो ये हम लोग एक्चुअल डायरेक्शन बता रहे हैं। कभी हम लोग, अब हम लोग यहां से हैं, अब इसी को कंपेयर किया जाए तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, अगर कार यहां से जा रही है तो यहां पर पहुंच गई, तो आप बोलिएगा क्या कि ये ईस्ट में पहुंच गई, नहीं, आप यहां से पहले कार गई फिर इधर गई फिर इधर गई, तो देख रहे हैं आप ये वेस्ट में भी गई, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप क्या देख रहे हैं, ये वेस्ट से जब चली थी ईस्ट में आई, नहीं, ये वेस्ट से होकर गई तो कभी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में गई, फिर ये इधर की ओर मुड़ गई, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन का मतलब एकदम डायरेक्ट, अगर इस चीज को ना फॉलो करते हुए डायरेक्ट वेस्ट टू ईस्ट जाता है, बात समझ आ रही है। तो ऐसे हम लोग को क्या बोलते हैं, उसको डिस्टेंस कहते हैं। तो इस यही कारण है कि डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी में रखा गया। भाई आपके मन में आ रहा होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो मैं इसको तुरंत आपको डिफाइन कर दे रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। एसआई यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो किलोमीटर होता है, अनदर जो यूनिट होता है डिस्टेंस को जो मापने का होता है, अगर छोटा है तो बहुत ज्यादा छोटा है तो मिलीमीटर, उससे बड़ा है तो सेंटीमीटर, उससे बड़ा है तो मीटर, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग और भी बहुत से होते हैं यूनिट, लेकिन एसआई यूनिट जो होता है वो किलोमीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्टेंस का ही एक रूप डिस्प्लेसमेंट भी है, थोड़ा सा बातों को अच्छे से क्लियरिफाई कीजिएगा। When a body moves from one position to another position at the shortest distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as displacement. मेरी बातों को अच्छे से क्लियरिफाई कीजिएगा, directions होते क्या है, तो मैं इसे erase कर दे रहा हूं। जैसे कि हम लोग ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरा यहां से मेरी एक कार चलती है जो कि मुझे इस पोजीशन पर लानी है, अगर कार इस तरीके से जाता है तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे ये ओ से एन और एन से सी, ओ से एन और एन से सी जाता है, ओ एन और प्लस एन सी जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस। अब मेरा डायरेक्ट यहां से एकदम स्ट्रेट इस पोजीशन पर जाता है तो यानी कि ओ से सी, ओ सी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक सीधा डायरेक्शन भी है, आप बोल सकते हैं कि भाई ये वेस्ट इस डायरेक्शन में गया, बोल सकते हैं ना, इसका क्या बोलिएगा, ओ एन एक नॉर्थ में है फिर एन सी क्या है वे ईस्ट है, तो अब एक सटीक आप क्या हो रहा है कि डायरेक्शन नहीं बता पा रहे, यहां पर आप सटीक डायरेक्शन बता रहे कि भाई वेस्ट ईस्ट में चले जाइए, है ना, यहाँ पर सी पोजीशन मिल जाएगा, तो ये एक सटीक डायरेक्शन है, और देख रहे हैं कि आप ये जो दूरी है वो क्या है, कम पड़ रही है, क्या है, कम पड़ रही है। अगर मान लिया जाए ये पांच है, ये चार है, ये फोर है और ये थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव। अब ऐसे जोड़ा जाए तो फोर और थ्री टोटल कितना हो जाएगा, सेवन, और ये फाइव ही किलोमीटर चल रहा है,
तो 7 बड़ा कि 5 किलोमीटर, तो 5 आपको लेगा 5 किलोमीटर, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना। और ये भी क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो क्या होता है, ये डायरेक्शंस को फॉलो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है, क्यों है वो भी मैं बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये यहां से यहां तक तो पोजीशन मेरा रिजल्ट दे रहा है, यानी कि जीरो से सी तक मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंच जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक डायरेक्शन भी मिल जा रहा है। मुझे क्या मिल जा रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है। तो जिसके मैग्नीट्यूड यानी रिजल्ट, रिजल्ट के साथ साथ अगर आपके पास डायरेक्शन है तो आप उसे क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जीरो से सी हमारा क्या है, एक रिजल्ट मिल जा रहा है, यानी सी पोजीशन तक मैं पहुंच गया। और जीरो से सी तक जाने तक क्या है कि एक डब्ल्यू यानी कि वेस्ट ईस्ट हम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि मेरा डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर होता है इन द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी डायरेक्शन आप बात कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, अब आप लोग सोच रहे हैं, मैंने जस्ट बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताना है। तो वेक्टर क्वांटिटी कहते किसको है, तो एट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, एन ऑब्जेक्ट विच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। उसके हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी भौतिक राशि इसका हिंदी होता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं, विच एन ऑब्जेक्ट विच हैज ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, यानी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है यानी कि डायरेक्शन नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आ गई होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस जो है कहीं से भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे, थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं ए से बी पोजिशन को जाता हूं, ए से बी पोजिशन को, और 10 किलोमीटर के बीच की दूरी है, इस डायरेक्शन से जा रहा हूं और इसे मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इधर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव मैं मान रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं इसे इधर ऐसे जा रहा हूं तो इसको पॉजिटिव, और मैं इधर आऊंगा तो इसको क्या बोला जाएगा, निगेटिव बोला जाएगा, क्योंकि इधर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपोजिट को क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। तो यहां पर प्लस 10 अगर हो रहा है, मेरा इधर ए से बी की ओर जा रहा है तो प्लस 10, तो बी से ए आने में मेरा माइनस 10, तो मेरा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ए बी प्लस बी ए कर रहे हैं तो ये 10 और ये माइनस 10, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन को देखता है, ईस्ट जा रहे हैं तो ईस्ट से वेस्ट की ओर आए तो क्या हुआ, डायरेक्शन को देखा जा रहा है। इसके कारण ये क्या हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण, इक्वल लेंथ होने के कारण ये क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं रखता है, इसलिए ए बी से बी और बी ए चले, ए बी चले फिर बी ए चले, तो क्या हुआ, ये 10 किलोमीटर चले और इधर से भी क्या चले, 10 किलोमीटर चले, तो टोटल डिस्टेंस होगा वो 20 किलोमीटर का होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियरिफाई हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हम लोग तुरंत इसको करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ने आ गए। यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन था, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या होता है कि मोशन, हम लोग बताए थे कि मोशन किसको कहा जाता है, तो किसी वस्तु की अपेक्षा में अगर उस वस्तु को अपेक्षित किया जाए और दूरी किसी भी बॉडी के चेंजिंग आ जाए पोजीशन में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इट हैज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब कि आपका जितना भी समय दिया गया है, आप यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म यानी कि तो कांस्टेंट स्पीड से यहां तक इस पोजीशन तक आ जाइए, और ये हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इतना दूरी तय किया गया है आपके द्वारा, यानी इतना ही समय में, चाहे आप यहां से ए से बी आइए इस डायरेक्शन से या बी से ए आइए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का, डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है
यहाँ पर डिस्टेंस इधर टाइम रख दीजिए आप, या आप इधर डिस्टेंस इधर टाइम रख सकते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट होता है, यानी कि वो इनफॉर्म यानी कि कॉन्स्टेंट स्पीड को दर्शाता है। जो समय की जितना दूरी हम तय करते हैं उतना समय भी बढ़ते जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर 1 किलोमीटर, यहां 2 किलोमीटर, यहां 3 किलोमीटर, यहां 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, तो 1 किलोमीटर में हम लोग 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलते हैं, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 3 घंटे में 3 किलोमीटर, तो क्या कर रहा है ये? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक ही किलोमीटर का डिफरेंसेस आ रहा है। कितना डिफरेंसेस आ रहा है? 1-1 किलोमीटर का। तो ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या टाइम भी क्या हो रहा है? 1-1 घंटे का ही हो रहा है। तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो टाइम ग्राफ का बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मैंने लिख भी दिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहा जाता है? ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का अर्थ ये है कि बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म वो हम लोग मोशन बोल सकते हैं। क्यों? If it travel unequal distance in equal interval time, मान लिया जाए कि मैं आप लोगों को इसके माध्यम से ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं कि मान लीजिए मैंने A से B दूरी तय की और मेरा 3 आवर लगा, और मैंने C और D दूसरा कोई भी डिस्टेंस ले लिया, हाँ, और मैंने बोला 3 आवर में तय करने के लिए, और मैं तय नहीं कर पाया और मैं यही E पोजिशन तक रह गया। बात सुन रही है? तो इक्वल इंटरवल इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस हो गया ना। ये कहां से ये कहां 4 किलोमीटर की दूरी है, ये कहां 5 किलोमीटर की दूरी है, तो कहीं ना कहीं ये 3 घंटा में इतना ही चल पाया, नहीं दूरी तय कर पाया, यानी अनइक्वल इंटरवल हुआ, अनइक्वल डिस्टेंसेस हुए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इन अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसी समय में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को यानी ई तक नहीं पहुंच कर ये सी तक भी पहुंच जा रहा है, तब देख रहे 3 घंटे में अनइक्वल डिस्टेंस, यानी ये 4 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर, कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ रहा होगा। क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? तो इस कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कर्व बनता है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। ये नॉन यूनिफॉर्म का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, इधर मैं डिस्टेंस इधर टाइम रख रहा हूं, तो ये जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाएगा मोशन। बात समझ आ रही है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाएगा। मैंने लिखा हुआ भी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो सॉरी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन। देखिए आप कैसे कि मान लिया जाए कि ये 1 आवर में 1 आवर 1 किलोमीटर, अब यहां पर देख रहे होंगे कि ये यहीं पर आ गया, ये तो इतना ही ना, जो कि टाइम हमारा सब सही जा रहा 1-1 का, लेकिन ये पोजीशन डिस्टेंस क्या आ रहा? अनइक्वल आ गया, यानी ये 3 ना जाकर मेरा 3 यहां पर 3 किलोमीटर है, ये यहीं पर आ गया, तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं कम हो गया, यानी ज्यादा कम या ज्यादा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे अगर हम लोग किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वो पहले क्या होता है? एकदम स्लो मोशन में होता है, फिर उसके बाद हम लोग जैसा रोड देखते हैं उसके हिसाब से हम स्पीड को बढ़ाते हैं, तो जब रोड से हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां से स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्पीड कम जो करते हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में हम लोग धीरे चलाते हैं, जैसे ही रोड एकदम साफ सुथरा मिला थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वहां स्पीड क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। जिस पोजीशन में स्पीड चेंज हो जाता है उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और जहां स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाता है जैसे हाईवे पर हम लोग गाड़ी ले गए और वहां पर हम लोगों ने 40 या 50 या 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड रख ली और कंटिन्यू 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सबसे बड़ी बात स्पीड पर। स्पीड बहुत देर से स्पीड हम लोग बोल रहे थे, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। बात समझ आ रही है? एक्सेलरेटेड कहिए या डिग्रेडेड भी आप मोशन कह सकते हैं। अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ाया जाता है तो एक्सेलरेटेड मोशन, अगर गाड़ी का स्पीड घटाया जाता है तो डिग्रेडेड मोशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? स्पीड स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड जो होता है किसी भी वस्तु के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है टाइम की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में
टाइम की उपस्थिति में जितनी दूरी तय की जाती है किसी भी वस्तु के द्वारा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी जितनी दूरी तय की गई है किसके उपस्थिति में, टाइम की उपस्थिति में, यानी प्रेजेंस ऑफ टाइम, प्रेजेंस ऑफ टाइम की उपस्थिति में। तो स्पीड ऑफ बॉडी इज अ डिस्टेंस, तो हम लोग स्पीड का डिफरेंशियल क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। SI यूनिट ऑफ स्पीड जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। आप पूछेगा भाई कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी किस कैसे है, तो मैं बता देना चाह रहा हूं आपको कि आप थोड़ा सा यहां देखिएगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ऐसा डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। अब इसके पास जब डायरेक्शन नहीं है तो इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आ रही है, ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, अब भाई जो गाड़ियों में लगी हुई रहती है, कार बस सभी ट्रक ये सब, आप लोग कारों में तो जरूर घूमे होंगे, तो क्या होता है कि कारों में बताता है या बाइक पर बताता है कि कार कितने या बाइक कितने स्पीड से चल रहा है। तो जो स्पीड मापता है, मेजर करता है, उसे हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, जिसको हम लोग बताता है कि 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। और जो दूरी बताता है कि हम लोग 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, आप लोग देखते होंगे वहां पर रहता है, बाइक में भी रहता है और कार में भी होता है, सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, एक्सेप्शनल साइकिल, साइकिल रिक्शा, तो है ना, जो गाड़ी चलती है उस सभी चीजों में होते हैं। तो जो मापता है डिस्टेंस, उसे हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ऑडोमीटर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो दूरी मापा जाता है उस दूरी को क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर बोला जाता है। बात समझ आ गई, क्लियरिफाई हो गए होंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसको आया था, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। स्पीड का ही एक पाथ है, बस टोटल जितना हम लोग डिस्टेंस चले, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, थोड़ा सा दूरी ऐसे तय करना होता है। अब मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, एफ पोजिशन, हमको ए पोजिशन से एफ पोजिशन तक चलना है, 2, 3, 4, 2, 1 ऐसा किलोमीटर दिया गया है। तो कितने दूरी तय कर लिए हम लोग, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12 किलोमीटर, यानी हम लोग ए से एफ तक पहुंचने में कितनी दूरी तय कर लिए, 12 किलोमीटर। और यहां पर जो भी टाइम लग रहा होगा, इसमें 1 आवर लगा, इसमें 2 आवर लगा, 3 आवर लगा, 1 आवर लगा, हाफ आवर लगे, तो इस तरीके से हम लोग टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को जोड़कर जो भी हम लोग डिवाइड देंगे वो हमारा क्या निकलेगा, टोटल एवरेज स्पीड निकलेगा। बात समझ आ रही है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्लियरिफाई हो गया होंगे। अब हम लोग इसके सबसे, अब लोग डिस्टेंस पर बात कर लेंगे, डिस्टेंस पर स्पीड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या कहते हैं, सोचने वाली बात है कि जब यहां पर हम लोग बोले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, यहां पर बोलते हैं कि डिस्टेंस जो हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम लोग स्पीड कहते हैं, तो डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो क्या कहेंगे बताते हैं जस्ट अभी राइट नाउ। तो हम लोग आ गए यूनिफॉर्म स्पीड पर। अब हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में बात करें, थोड़ा सा हम लोग वेलोसिटी भी बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा यूनिफॉर्म स्पीड पर बात कर लिया जाए कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने जब उसमें टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ पढ़ा रहा था, तो आप लोग बता रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, जहां पर स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाए, जहां पर स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाए, हम लोग उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को जो है कि दूसरे शब्दों में कांस्टेंट स्पीड भी बोला जा सकता है। जैसे हाईवे पर अगर आप जा रहे हैं और आप हाईवे पर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे हैं और कंटिन्यू अपने स्थान तक जहां तक आपको जाना है वहां तक आप 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ही जा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड। बात समझ में आ गई होगी, क्लियरिफाई भी हो गया होगा। अब आते हैं वेलोसिटी पर। मैंने अभी जस्ट राइट नाउ स्पीड पर बोला था कि स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस, वहां पर था मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो क्या होगा, मैंने डिस्टेंस ही दिखा, थोड़ा सा मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन।
वी गिवन डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है? जो कि हम लोग डिस्टेंस जो हमारा दूरी तय कर रहा है इन गिवन डायरेक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आप वहां डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। बस यहीं तक लिख सकते हैं। वहां डिस्प्लेसमेंट लगाने के बाद अब इन गिवन डायरेक्शन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या को दर्शा रहा है? डायरेक्शन को ऑलरेडी दर्शा रहा है, और डायरेक्शन में डिस्टेंस में अगर है तो आपको डायरेक्शन थोड़ा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा दूरी, जितना दूरी हमको तय करना है जिस किसी खास डायरेक्शन में, उतना और जितना हम लोग दूरी तय करने में समय लिए उसके रेशियो को यानी अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियरिफाई हो गया होगा। थोड़ा सा वेलोसिटी के एसआई यूनिट पर बात करते हैं। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड, जो कि सेम होता है स्पीड के जैसा। स्पीड का भी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज स्पीड कवर अ डिस्टेंस, बिकॉज स्पीड कवर अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड वेलोसिटी हैज डिस्प्लेस कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई कॉल्ड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियरिफाई हो गया? बात समझ में आ गई होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट तो ईस्ट, वेस्ट तो वेस्ट, साउथ तो साउथ, नॉर्थ तो नॉर्थ। तो किसी खास डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, एकदम कंफर्म स्ट्रेट लाइन, किसी खास डायरेक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ रही है? तो स्ट्रेट लाइन जो कवर करता है मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब कि एकदम कांस्टेंट स्पीड से, तो उसे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी जो मैंने जस्ट राइट नाउ इनफॉर्म स्पीड का जो उदाहरण दिया था, वही उदाहरण आप इनफॉर्म वेलोसिटी का भी रख सकते हैं। बात समझ रही? बस वहां पर डिस्टेंस कवर कर रहा था जो कि डायरेक्शन इधर उधर हो सकता है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही है? The velocity of body can be changed in two ways. दो तरीके से आप velocity को चेंज कर सकते हो स्पीड में। कैसे? आप या तो स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी के जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है उसको बढ़ा दीजिए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मैंने कि जो कॉन्स्टेंट स्पीड है वो हट जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या उसकी डायरेक्शंस को हम हटा दें। डायरेक्शंस बदल देने से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दो तरीके से वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, या तो हम लोग स्पीड को चेंज करते हैं या तो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। बात समझ आ रही है? वेलोसिटी कैसे चेंज होता है? या तो स्पीड चेंज होने से या तो डायरेक्शन चेंज होने से। यही दो तरीके हैं वेलोसिटी को चेंज करने का। अब एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। एवरेज स्पीड जो होता है बॉडी का कभी जीरो नहीं हो सकता है, बट एवरेज वेलोसिटी मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। बिकॉज क्या कारण है? थोड़ा सा मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। हम लोग ए से बी डायरेक्शन पर आते हैं और इस तरीके से जाते हैं, और बी से ए पर भी आते हैं और इस तरीके से जाते हैं। अगर मैं इसे बोल रहा हूं कि इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर उधर से, इस तरफ से, तो इधर से अगर ये तरफ आप प्लस ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आप क्या लीजिएगा? माइनस, क्योंकि ये अपोजिट है, अपोजिट है। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्शन को नहीं रखता है। डिस्टेंस क्या है? डायरेक्शन को नहीं रखता है। इसलिए डिस्टेंस के केस में, डिस्टेंस के केस में ये 10 और प्लस 10 क्या होगा? ये दूरी टोटल जो दूरी होगी वो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 20 किलोमीटर का होगा। क्या होगा? 20 किलोमीटर का होगा। लेकिन टोटल जो डिस्प्लेसमेंट का जो केस है, डिस्प्लेसमेंट का जो केस है वो 10 और ये माइनस 10 का दर्शाता है जो कि जीरो हो जाता है। बात समझ आ रही है? जो कि जीरो होता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि कहीं से वो डिस्टेंस हमारा जो है जीरो नहीं हो रहा, यानी 20 बाय और जो टाइम लग रहा है हमारा वो है, तो यहां पर जीरो नहीं हो रहा। लेकिन वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो हमारा जीरो है। तो जीरो बाई टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन स्पीड नेवर कभी नहीं जीरो हो सकता है। बात समझ में आ रही है?
वही हमने लिखा है, द एवरेज स्पीड ऑफ आवर बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो सकता है, स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है। एक्सेलरेशन, सबसे पहला बात आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी टॉपिक्स है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? सोचिए एक्सेलरेशन कहते किसको है। तो एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज एज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि मान लीजिए हम कोई वस्तु से जा रहे हैं, चाहे कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो हम लोग ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को स्टार्ट किया और उतने की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अचानक उसकी स्पीड में जो बढ़ोतरी होती है, हम लोग जो स्ट्रेट लाइन देखकर या फिर क्लियर रोड देखकर हम लोग जो स्पीड को बढ़ाते हैं, जो स्पीड बढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेट कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। बात समझ आ रही है। यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि रेट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, चेंज करता है, चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को जो बदलता है, चेंज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ टाइम, याद रखिएगा कोई भी काम टाइम की उपस्थिति में ही होती है। तो एक्सेलरेशन बराबर हम लोग क्या लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टेकन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टेकन टाइम। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु जो है कि वो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चली और हमने रास्ता देखकर साफ क्लीन रोड देखकर हमने उसको 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया, 70 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुई, यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग जो स्पीड हुई उसको हम लोग यू से दर्शाते हैं, याद रखिएगा ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड जिससे हम लोग यू से दर्शाते हैं, और ये मेरा फाइनल है, मैं इससे स्पीड नहीं जा करूंगा, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा भी। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में से जब घटाया जाता है तो हमारा कितना से एक्सेलरेट हुआ, तो 70 माइनस 50, यानी 20 के स्पीड से मेरा जो है ना स्पीड वैरी कर गया, यानी एक्सेलरेट कर गया, और बाय में टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को बी से और इनिशियल वेलोसिटी को यू से और स्मॉल टी को टेकन टाइम से दर्शाया जाता है, जो कि दिखाया जाता है। आप समझ गए होंगे। अभी भी हम लोग इसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये और चीज, और इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग आते हैं, तो हम लोग आ गए हैं एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्सेलरेशन जो है तो कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी का जो चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय में हम लोग टाइम लिखते हैं, एक्सेलरेशन बराबर ये वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और यहां पर सेकंड ऑलरेडी है, तो यानी कि मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाता है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। ये मैंने यहां रफ किया यहां पर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, क्योंकि जो भी डायरेक्शन चेंज, जो भी वेलोसिटी चेंज होती है एक निश्चित अनुपात में हो रही होती है, एक निश्चित जो कि डायरेक्शंस में हो रहा होता है उसी को हम, यही कारण है कि उसके बाद डायरेक्शन के साथ साथ एक मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, नहीं एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ आ रही है। When a body is moving with a uniform velocity, its accelerated will be zero. When a body is moving, जब एक body move करना start करता है uniform velocity से, किसी भी velocity किससे, uniform velocity से अगर वो move कर रहा है, ऐसा condition है कि uniform velocity से move कर रहा है, its acceleration will be zero. इसका acceleration क्या होगा, zero होगा। बात समझिए मेरी बात को, जब हम लोग 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले और 60 मीटर पर सेकंड से ही पहुंच गए, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चले और 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ही पहुंच गए, तो कहीं ना हमने कहीं भी क्या किया कि वेलोसिटी को बढ़ाया नहीं है, वेलोसिटी कहीं बढ़ी नहीं, स्पीड कहीं बढ़ा नहीं, तो स्पीड जब बढ़ा ही नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी बात कॉन्स्टेंट स्पीड की या यूनिफॉर्म स्पीड की बात की जाए तो आप समझिएगा एक्सेलरेशन वहां पर क्या है, जीरो है।
एक्सेलरेशन जीरो होगा बिकॉज द चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई ही नहीं है, यानी कि वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रही है, एकदम बढ़िया से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, एकदम समझिए, कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, एकदम क्लियरिफाइड समझना है, एकदम फ्रेश। तो आते हैं इनफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। इनफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? ए बॉडी हैज इनफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट इनफॉर्म रेट, यानी कि करीब करीब वेलोसिटी जो है एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से बदल रही है। जैसे कि 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चेंज हुई तो 20 किलोमीटर अगले भी चेंजिंग हुई हो रही है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि बॉडी के इनफॉर्म एक्सेलरेशन तब हम लोग कह सकते हैं जबकि उसका जो वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है वो एक इनफॉर्म रेट से हो रहा है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट रेट से हो रहा हो, यानी इतना तो इतना 20 तो 20 30 तो 30 बात मेरी, यानी कहीं से भी हम लोग 20 कभी कर रहे हैं तो कभी 30 का स्पीड कर दे रहे हैं, कभी 40 का कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। जो इंटरवल जो है वो सेम होना चाहिए वेलोसिटी का, बात समझ आ रही है। तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल में फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी को जब हम लोग गिराते हैं, जब वो वस्तु गिरती है तो ऐसे हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो चेंजिंग इसमें आ रही है, जो भी चेंजिंग आप देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट से, जब वो इनिशियल पोजिशन से आप देखेंगे कभी इतना, तो ये जो चेंजिंग आती है हमारे जो अभी तक वो सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि ये इनफॉर्म एक्सेलरेशन का एक उदाहरण है। अब यहां पर बात यह आ रही है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शाता है, स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है। यानी कि वेलोसिटी यहाँ टाइम है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो है वो इनफॉर्म एक्सेलरेटेड को दर्शाता है, यानी कि एक्सेलरेशन उसका क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है। नॉन इनफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? बॉडी हैज नॉन इनफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट्स। यानी कि कभी हमारा जो स्पीड है, मान लीजिए हम 20 से स्पीड से किए, कभी 30 किए, फिर अचानक हम 60 कर दिए, 30 का डिफरेंस, कहां 10 का डिफरेंस था और हमने 30 का डिफरेंस ले लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि अनइक्वल इंटरवल। बात समझ आ रही है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइम हमेशा एकदम सेम होता है, उतना ही दूरी पर, इतने ही समय पर हमको एक्सेलरेशन को बढ़ाना है। तो एक्सेलरेशन जहां पर डिफरेंट हो जाए, है ना, कांस्टेंट ना रहे, उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व लाइन। जो वेलोसिटी और टाइम का यहां पर जो ग्राफ बनता है वो नॉन यूनिफॉर्म में क्या बनता है, कर्व लाइन बनता है। बात समझ आ रही है, क्या बनता है, कर्व लाइन बनता है। रिटार्डेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है? रिटार्डेशन को ही डिक्लेरेशन कहते हैं। बात ऐसा है कि एक्सेलरेशन जब हम लोग गाड़ी को स्पीड बढ़ाते हैं तो घटा भी देते हैं, है ना। जब हम लोग किसी के स्पीड को बढ़ाते हैं तो किसी के स्पीड को घटाते भी हैं। तो जब किसी के स्पीड को घटाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन यानी डिक्लेरेशन, और जब स्पीड बढ़ाया जाता है तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। बात समझ आई, क्या उसे बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जब घटाया जाता है तो या तो रिटार्डेशन कहिए या डिक्लेरेशन कहिए। बात समझ आ रही है, ये कब होता है? तो ये होता है जब हम लोग कभी गाड़ी को रोकने वाले होते हैं, यानी ब्रेक लगाना होता है, तो उसमें क्या होता है, रिटार्डेशन होता है या डिक्लेरेशन होता है। बात समझ आ रही है, तो आइए हम लोग इसको जानते हैं रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन होता क्या है। ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यानी उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज जब करेगा, यानी गाड़ी रुक रही होगी तो उसमें क्या हो रहा होता है, डिक्लेरेशन हो रहा होता है। बात समझ आ रही, रिटार्डेशन बराबर वही होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टेकन टाइम। ऐसा ही रिटार्डेशन का और एक्सेलरेशन का वही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज। थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा, एक्सेलरेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। जब भी आप किसी भी नोमेरिकल को बना रहे होते हैं और उसका आंसर आपका माइनस में आता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, तो आप समझिए कि वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है या डिक्लेरेशन हो रहा है, या क्वेश्चन में इस तरीके से बात बोल दिया जा रहा है कि गाड़ी का स्पीड इतने स्पीड से घट रहा है, तो आपको एक्सेलरेशन वहां पर माइनस लेना है, यानी कि वहां पर वो डिक्लेरेशन है। बात समझ में आ रही है, वहां पर आप एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो आप माइनस में लिखिएगा कि इतने की स्पीड से वो घट रहा है। बात समझ आ रही, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घट रहा है, क्लियर फाई है। अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को जब हम लोग फाइनली 2 से डिवाइड देते हैं तो उसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो आई थिंक ये आप लोग को
बात समझ में आएगी। आगे होगी कि एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी को भी और अंडर रैंकिंग के ऊपर से हम लोग करते हैं इंडिकेट, और यू इनिशियल वेलोसिटी और वी फाइनल वेलोसिटी बाय में टू इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक आप लोग यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन इनफॉर्मली जो हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन में करते हैं, कैसे कैसे इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, कैसे कैसे इक्वेशनों को करते हैं आप करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इनफॉर्म सिचुएशन। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाय में टू। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशनों पर कि इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही मददगार होता है। इक्वेशन को बनाने से हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है, बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। तो आते हैं हम लोग उस इक्वेशन पर। तो हम लोग आगे इक्वेशन ऑफ इनफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो हमारा इक्वेशन आता है, ये जो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस कुछ खास नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो होता है वो वी बराबर यू प्लस एटी होता है। मैं कैसे ला रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। एक्सेलरेशन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर हम लोग जानते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय में टेकन टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर वी माइनस यू बाय में टी होता है। तो टी डिवाइड में इस तरफ है तो इधर आएगा, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, यानी ए इंटू टी हो जाएगा, a into t हो जाएगा, और माइनस में u है तो माइनस u जब बराबर की उस तरफ जाएगा तो a into t plus u बराबर क्या हो जाएगा v, यानी v बराबर क्या आ गया u plus at। v यहां पर फाइनल वेलोसिटी है, u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम टेकन है। तो इस तरीके से यहां पर आपने फॉर्मूला को प्रूव कर लिया है। इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं थोड़ा सा मैं बात को आपको बताता हूं। जैसे आपका फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ हो, गिवन इनिशियल वेलोसिटी गिवन किया हो और एक्सेलरेशन गिवन किया हो और टाइम आपसे पूछ रहा हो, तो ऐसे फॉर्मूले ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या लगाइएगा, इस फॉर्मूले को लगाइएगा। या आपका ये गिवन किया हो ये ना दिया हो तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या लगाइएगा आप भी बराबर यू प्लस एटी लगाइएगा। और आपका मान लीजिए ये दिया हो और ये ना दिया हो तो आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या लगाइएगा भी बराबर यू प्लस एटी। जब मान लीजिए ये भी दिया हुआ हो और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा हो तब भी आप यही लगाइएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूं कि हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम हमारा जो है वो है हमारा 10 सेकंड या 5 सेकंड लीजिए 5 सेकंड है, और एक्सेलरेशन बराबर वाट। तो यहां पर हम लगाएंगे v बराबर u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 20, और यहां पर हमारा जो 10 है प्लस a हमको नहीं मालूम है और t हमारा कितना है 5, तो हमारा यह बात रखिएगा 10 इधर आएगा, 20 माइनस 10 5 इधर डिवाइड में रेजिस्टेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 10 बाय में 5 यानी 2, यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है। इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप इस क्वेश्चन के इस इक्वेशन के तहत बना सकते हैं वी बराबर यू प्लस एटी। ऐसे जो है इसका सेकंड जो पार्ट आएगा आपका फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग बहुत से न्यूमेरिकलों को बात करेंगे, तो आप लोग प्लीज उस सेकंड पार्ट को भी देखिएगा। अभी हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को करते हैं, बाकी का नेक्स्ट हम लोग पार्ट में इसको बनाएंगे। तो हम लोग अभी सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। तो हम लोग आ गए हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन यह है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s क्या है, ये t क्या है, ये a क्या है, ये u क्या है, आप लोग तुरंत समझ जाएगा। जैसे होता है ये कि we know that कि अभी हम लोग जस्ट इससे नीचे पढ़े हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है u प्लस v, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय में टाइम होता है बाय में 2। इनिशियल वेलोसिटी बाय में फाइनल वेलोसिटी बाय में 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो वैसे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि जितने आप वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से गए हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोग एस से इंडिकेट कर रहे हैं और एवरेज वेलोसिटी की जगह पर ये इक्वेशन को हम लोग पुट कर रहे हैं यू प्लस बी बाय में 2 और टी। अब लोग जानते हैं कि v बराबर क्या हुआ, हम लोग अभी जस्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u प्लस at अभी हम लोग ये प्रूव किए जस्ट राइट नाउ, तो ये v के जगह पर हम लोग u प्लस at रख दिए, तो u क्या हो गया 2u हो गया और यहाँ at और बाई में 2 इंटू टी रहा। तो यहां पर हम लोग जब t से हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कराया तो 2ut प्लस at स्क्वायर आया नीचे में 2।
तो जब हम लोग ने इसको फैक्टराइज किया यानी 2ut by 2 और at square by 2, तो 2 2 यहां से कैंसिल होगा और हमारा क्या बचा, इधर ut बचा और इधर बचा 1 by 2 at square, और यही हमारा क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था। यहां पर s हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, b हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t सेकंड टाइम है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड इक्वेशन भी प्रूव्ड हो चुका है। अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। आप याद रखिएगा, जब भी आपके दूरी पूछे और इनिशियल वेलोसिटी दिया रहे और टाइम दिया रहे, एक्सेलरेशन दिया रहे, तब आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां पर अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी दी, तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लेरिफाई है तो आप इसे देखिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग इक्वेशन नंबर हम लोग जस्ट थर्ड पे आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो आ गए हम लोग अब थर्ड इक्वेशन पर, जो कि हमारा एकदम फाइनल इक्वेशन है, और इसके बाद हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स और थोड़ा सा और कुछ पढ़ के जो कि हम सेकंड पार्ट में बना देंगे आप लोगों के लिए। और न्यूमेरिकल्स का भी बहुत ही बढ़िया, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को, जो कि बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन एंड मेनी इक्वेशन। सो दैट वी आर फर्स्टली वॉज दैट वी बराबर यू प्लस एट विच इज आर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस विच आर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। In this equation we are use the first equation and second equation. तो first equation हमारा ये कहता है कि v बराबर u plus at and second equation हमारा ये कहता है ut plus half at square. तो first equation से हमने v बराबर u plus जो at होता है, तो t बराबर क्या होता है v minus u by a. क्यों t बराबर होता है? क्योंकि ये u इधर आएगा तो v minus u हो जाएगा और a क्या में multiply में, तो multiply इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो इस इक्वेशन जो t बराबर हमारा जो वैल्यू आया b माइनस u बाई a, उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो हमारा वही रहा, t के जगह पर हमने b माइनस u बाई a प्लस हाफ a, t के जगह t स्क्वायर के जगह पर हमने b माइनस u का u बाई a का होल स्क्वायर कर दिया है। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो यहाँ यू बी और ये यू स्क्वायर जाएगा जो कि माइनस में, नीचे में क्या a रहेगा, यहाँ पर हाफ a इंटू यहाँ पर b माइनस यू का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू बी यू और a का स्क्वायर यानी a इंटू a, जिससे एक a और a एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा है b स्क्वायर u स्क्वायर माइनस टू बी यू, टू और a मल्टीप्लाई होने पर 2a हो जाएगा, इधर यू बी माइनस यू स्क्वायर बाई a होगा। तो a और 2a का हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। जब हम लोग a के टेबल में 2a डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा, और इसको हम लोग 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, तो इसको। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमको दोनों में, तो हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई जब किया तो 2ub, और यहां पर एक ही बार में होता है तो बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2bu, मैंने एक ही बार में लिख दिया है 2ub माइनस 2u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2bu, यानी 2ub और 2bu ये दोनों क्या है, प्लस एक माइनस में होने के कारण ये क्या हो गए, कट गए, और 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर घटा तो माइनस u स्क्वायर बचा और v स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे में क्या है, 2a मेरा LCM है। तो 2a को जब हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो 2a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो 2a क्या हो जाएगा, यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a है, तो 2a को जब हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा, 2as यानी 2as बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और जब माइनस स्क्वायर को आप इधर लाइएगा तो ये आ जाएगा 2as प्लस u स्क्वायर, जो कि लास्ट में v स्क्वायर बराबर 2as प्लस u स्क्वायर, जो कि हम लोगों को यही प्रूफ करना था। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यही हमारा प्रूफ था। आपको मालूम है कि v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और s हमारा डिस्टेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन को तब हम लोग बनाएंगे जब टाइम ना दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, फाइनल स्पीड दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो और इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, तो हम लोग ऐसे टाइम ऐसे केसेस में किसी भी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन या डिस्टेंस को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब टाइम ना दिया हो। तो आई थिंक आप लोगों को बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये पूरा का पूरा इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। ये फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उस सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और इसको आप सीखने के माध्यम से पढ़िएगा, रटिएगा एकदम नहीं, एकदम इसको बेसिकली अपने जीवन पर उतार कर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। मोशन बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है,
तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।